गाइस, स्वागत है आप लोगों का डीजीडी के एक और नए वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब बड़े होंगे, अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हमारा प्यारा रिसाइकिलिंग सेंटर सिमुलेटर। तो ये है हमारा ऑफिस और ये है हमारा रिसाइकिलिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों से उनके भंगार को कम प्राइस में खरीदते हैं और उस भंगार को रिसाइकिल करके इस तरीके के मटेरियल्स बना के हम लोग बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा। तो अभी हमारे पास है $415 और हमारे पास दो मशीन है। ये वाला मशीन पेपर को श्रेड करती है, ये वाला मशीन प्लास्टिक को क्रश करती है, ठीक है। और हमें एक और नई मशीन खरीदनी है जो की ऊट को भी क्रश करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टोर पे जाना है और यहाँ पे क्रशिंग मशीन ऊट पे जाना है। अपग्रेड मशीन पे कुछ नहीं आया है, ये क्रशिंग मशीन वुड ये खरीदना है। $600 चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसके मेरे पास $600 है नहीं अभी, तो भी स्क्रैप डील्स देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे तो नहीं, तीन ही स्क्रैप डील्स है जो कि ये वाला बंदे का है और 39 kg 97 का दे रहा है। भाई 97 तो होगा नहीं, 67 का ले लो, 70 का ले लो, अरे 70 का ले लो, 79-75 का ले लो, 80 का नहीं 77 का ले लो, 77 ना आपका ना मेरा, ओके 77 में काम हो गया, ले लो। फिर ये वाला 119, इसके पास प्लास्टिक सबसे ज्यादा है, कोई बात नहीं, 119 का बोल रहा है ना, हम इसको 79 का ऑफर देते, 83 का, ओके 83 में मान गया, बहुत अच्छे, ले लो। और ये वाला 75 का दे रहा है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेटल है और कुछ नहीं है, 75 का बोल रहा है ना, 25 का दे दो भाई, 25 आप 50 का दे दो, 50 का, 95 का, 7वां का, ओके 60 में डील ले लो, 60 में ले लो, 66 नहीं 60, ओके 60 में हो गया भाई, 60 में डील हो गया, ओके। आज हमें इन तीन जगह पे जाना है और अपने मेटल्स कलेक्ट करने हैं और हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। वैसे तीन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। तो ये वाला है जिसमें हमें 42 ऊट देने, जिसके मतलब हमें इतना सारा पैसा मिलेगा। और प्लास्टिक का देखे तो प्लास्टिक में यहाँ पे 54 प्लास्टिक देने हैं भाई, 54 प्लास्टिक, 3 दिन का ऑफर है। हम लोग इसको 400 से 800 कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब, हमें 800 चाहिए, बोलो दोगे। जब चीजें बेचनी है तब हमें ज्यादा प्राइस देना होता है, जब खरीदनी होती है तब कम प्राइस देना होता है। 400 का माल 700 से 600 दे दो भाई, 600 500 नहीं भाई, 595 दे दो, 595 535 दे दो, 535 514 से तो होगा नहीं, 535 530 दे दो, 530 अच्छा 520 ठीक है, 17 नहीं और 3 बढ़ा लो, 520 में डील फाइनल करो, ओके 520 में डील फाइनल हो चुका है। 400 से सीधा 520, 324 तो मार्केट प्राइस है। चलो तो ये वाला डील हो गया, बस और भी डील है भाई ना, उतना नहीं लेना। और पेपर का डील, पेपर का ये वाला डील है, न्यूज़पेपर और ये वाला पेपर, भाई इतने पेपर अपने पास है नहीं अभी के लिए, सिर्फ हमने ये वाला ही लिया है। 3 दिन के अंदर हमें 54 देना है, मेरे पास 37 पहले से है, ठीक है। तो काम करते हैं, मेरे पास पेपर है यहाँ पे एक भी नहीं, पेपर कुछ भी नहीं है। चलो देखते है इन तीनों जगह पर कितना था। ओ एक मिनट, उससे पहले मैं कुछ चीजें खरीद लेता हूँ, पिछली बार गया था तो कुछ चीजें मेरे पास नहीं थी, जैसे कि काम करूँ ना, मैं लोन ले लेता, लोन के प्राइस अच्छे है यहाँ पे, देखो $78 करके देना है, डेली पेमेंट 14 दिन का 1000, ये ले लो। फिर ये वाला लोन ले लो, 188 देने का हिम्मत नहीं है, मेरे पास एक ही लोन ले लिया। अब मैं मशीन ले सकता हूँ। मेरे को एक और चीज लेनी है, ठीक है, स्टाफ तो हायर नहीं करना और हायर नहीं भी कर भी नहीं सकता। फैक्ट्री, एक मिनट, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है ना स्टोर से, मेरे को इक्विपमेंट खरीदना। अरे यार रेपुटेशन लेवल 3 पे खुलेगा ये सारी चीजें, स्क्रोबा, लॉक पिक, वायर हाउस रोबोट, लॉक पिक तो खुलेगा 3 पे और अभी हमारा कितना चल रहा है, रेपुटेशन लेवल 2 चल रहा है बस, आई थिंक 1-2 और काम कर लेंगे, रेपुटेशन 3 हो जाएगा तो लॉक पिक खरीद सकते हैं। लॉक पिक से क्या होता है जान, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कहीं कहीं पर छुपी हुई थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जहाँ पर लॉक पिक काम पे आता है। ये थोड़ा नया जगह है भाई, कंस्ट्रक्शन एरिया ही है, क्योंकि इसके अंदर घुसते कैसे है? अच्छा ऐसे, ये देखो इसके लिए लॉक पिक चाहिए, मैं बोल रहा था ना इसके लिए लॉक पिक चाहिए, खैर जरूरत नहीं, जरूरत तो है लॉक पिक की, जरूरत तो है, कह नहीं सकते लॉक पिक की जरूरत, अगर घुस गए तो अंदर से बाहर भी नहीं आ सकता मैं, देखो इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, अब लॉक पिक की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास 3 लेवल है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे लॉक पिक के बिना जितना हो सकता था हमने उतना ढूंढा, नहीं ऊपर भी है भाई, अभी तक खत्म नहीं हुआ, मुझे लग खत्म हो गया, कैसे जम करूंगा तो कुछ होगा नहीं। हाँ यहाँ पे मौत का कोई सीन नहीं कि ऊपर से जंप करोगे प्रोटैगनिस्ट मर जाएगा,
ओके सारे के सारे सबने अनलॉक कर लिए है। ओके एक और सॉर्टिंग वर्कर खुल चुके हैं, एक और नई कंपनी खुल चुकी है और न्यू एरिया भी खुल चुका है। वेरी गुड, ये सब क्या है? ओके चलो अभी दुकान चलते मतलब फैक्ट्री चलते वहाँ पे, वहाँ से लॉक पिक लेते मतलब खरीदते फिर आता हूँ। देखो इस वाले में फिर से मैं जा सकता हूँ तो अच्छी बात है, आई थिंक नहीं जा सकता मैं। और चलो मेरे ये रहा ना लॉक पिक, 300 का है लॉक पिक। ओके चलो वन टाइम पेमेंट है ना, हो जाएगा। अब आई थिंक मैं वहाँ पे वापस नहीं जा सकता वापस यार। खैर कोई बात नहीं, दूसरे जगह पे देखते लॉक पिक की अगर जरूरत पड़ी तो अच्छी बात है। यहाँ भी वैसे मुझे नहीं लगता लॉक पिक की जरूरत पड़ेगी, या फिर पड़ भी सकती है, पहले से कुछ गेस नहीं कर सकते हम। यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है लॉक पिक, नहीं यहाँ पे तो लगी नहीं लॉक पिक, यहाँ पे आई थिंक हो सकता है लग जाए। हाँ यहाँ ये वाला नहीं, ये वाला भी खुल जाता है, ये वाला भी लॉक की जरूरत नहीं है, इस वाले में लॉक पिक की जरूरत नहीं। हाँ ये वाला दरवाजा खोलने के लिए लॉक पिक चाहिए वाला। ओ भाई ये करना पड़ेगा अभी, खुल गया। यहाँ से अभी ज्यादा माल मिलेगा। अरे यार अभी ये डब्बा मिले, इसको खोलने के लिए क्रोबार चाहिए। हाय राम, अरे क्रोबार मेरे पास है नहीं, मिला भी तो क्या बाबा जी का ठुल्लू मिला, हाथ आया पर मुंह ना लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ये तो लॉक पिक से खुल गया दरवाजा, लेकिन दरवाजे के अंदर जो माल है वो नहीं खुला लॉक पिक से। इसके अंदर कोई सोना रूपा होगा आई थिंक, हमारे हाथों से मिस हो गया। चलो यहाँ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये देखो इसमें भी चाहिए। खुल जा, खुल गया। इसके अंदर भी सबके अंदर ड्रम ही है भाई, और कुछ नहीं है, ड्रम है बस। चेस्ट जिसके लिए, इसके लिए भी चाहिए अभी। ओ भाई तो खुल गया। यहाँ पर भी चेस्ट, हर जगह चेस्ट क्यों है, हर जगह चेस्ट घुसा दे यार। अब कोबर नहीं है तो मैं क्या करूँ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, कोबर नहीं है अपने पास। चलो इधर का भी हो गया सब कुछ, काश रेपुटेशन लेवल 4 हो जाए तो हम लोग कर सकते हैं, अभी 3 पे है हमारा। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा अपना रेपुटेशन बढ़ेगा भाई, चल काम कर। ओके मशीन का है तो नया वाला मशीन मंगा, ये वाला ऊंट का, खोलते कैसे इसको, बेल्ट। ओके चलो ये वाला मशीन भी यहाँ पे लगा दिया, अब इसके अंदर हमें डालना है ऊंट। जैसे ऊंट यहाँ पे कुछ है, कौन सा ऊंट है भाई, ये वाला ऊंट है। कितना ऊंट है इसके अंदर, 12 केजी का ऊंट है। डालो भाई जल्दी डालो, अपने पास टाइम नहीं है। चलो मैं भी थोड़ा मदद कर देता हूँ, और एक वर्कर रख सकता हूँ ना, रख दू क्या, और एक वर्कर जरूरत नहीं है, काम का पैसा लेगा, सॉर्टिंग वाटर ही आएगा, वर्कर ही आएगा। ए भे श्री के, इसका 16 सेकंड का स्पीड है, इसका 3 सेकंड का स्पीड है भाई, यही तो अच्छा है यार। ये देखो पैसे कम ले रहा है लेकिन घटिया है, ये वाला पैसे ज्यादा ले रहा है लेकिन अच्छा है, ये वाला हायर करूंगा। तू जा रे, ओके हो गया, जाओ अब शॉर्ट करो, जाओ 3 सेकंड लेगा भाई, 3 सेकंड काम कर सकते। ऊड इसके अंदर 112 केजी का ऊड है भाई, 112 केजी, वेरी गुड। डाल दो सब डाल दो। ओके 112 केजी ना, 134 केजी, ओहो 134, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके 100 ग्राम होगा, 34 केजी करो, 100 केजी हो गया, 34 केजी। ओके निकालो अब, धराधर निकालो, ऊड निकालो, हम लोग अमीर बनने वाले हैं गाइस। ये देखो प्लास्टिक ज्यादा नहीं है, 27 केजी का प्लास्टिक है, प्लास्टिक रखो, डालो इधर। और ये है पेपर भी ज्यादा नहीं है, 22 केजी का पेपर है, पेपर डालो, इसको बाहर निकालते हैं। कितना है, 27 केजी है, निकालो। और ये है हमारा पेपर कितना है, पेपर 23 केजी का है, निकालो पेपर निकालो। क्या धराधर आवाज आ रहा है भाई, क्या निकल रहा है इतना गर्मा गर्म, ये क्या है, ऊट पैकेट में निकलता है ऐसे। चलो सब कुछ निकल रहा है, हम थोड़ा ऊट का भी कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, और कोई ऊट का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ऊट का कोई महंगा कॉन्ट्रैक्ट। ओहो ग्लास आ चुका है भाई ऊट का, देखते हैं अभी। 54 डालना है, 100 डस्ट, ये मेरे को 54 है नहीं भाई, 42 ही ले लेते, 335 दे रहा है ना, 535 देगा क्या, 500 देगा, 400 दे दे, 435 दे दे, 435, 415 बोल दो भाई, 415 में डील फाइनल करो,
ओके 415 में डील फाइनल हो गया। 415 डील भाई, बहुत सारे इसके पास। फूड उतना है नहीं, प्लास्टिक का हमने आई थिंक बंगाल लिया है ना, प्लास्टिक का ऑर्डर। पेपर का देख लेते, पेपर 3300 है इधर। पेपर दो पेपर है क्या इधर? एक न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर अपने पास है नहीं भाई, यही वाला ले लेते पेपर का 54 वाला। ठीक है 54 वाला मांग रहा है 465। देखो हम लोग 400 नहीं दे सकते, हम लोग 600 देना पड़ेगा, $699 $695। देखो इससे ज्यादा मैं नहीं कमा कर सकता। $635 $615 आप 600 ही दे दो यार, आप 600 ही दे दो, 600 भी नहीं 599 दे दो, 599 578 589 दे दो, 589 589 585 दे दो, 585 78 नहीं 85 में डील फाइनल करो। ओके 585 में डील फाइनल हो चुका है, ले लो। ओके तो बहुत सारे हमने ले लिए हैं, ठीक है अब देखते कितना फुलफिल होता है। ओ भाई साहब कितने सारे आ गए यार, ओहो 54 आ सकते इस वाले पैलेट में, कितना निकलता है देखता हूँ। 54 आ गया भाई, निकल ही रहा है भाई। अच्छा ऊट बहुत सारा है ना, चल ऊट बहुत सारा है, उसे भी ज्यादा है भाई ऊट। ये पैलेट भी रख लेता हूँ भाई ऊट के साथ। ओके सबसे ज्यादा तो ऊट ही आए भाई, सबसे ज्यादा ऊट आया और कुछ नहीं आया है। अपना पेपर भी साइड हो गया, मैं सबको पहले साइड कर देता हूँ ना, तब सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। ओके पेपर ऊट सब कुछ मैंने साइज कर दिया है, अब बस मेरे को इन सबको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये बेचा जहाँ जाता है। ओके पेपर का काम हो गया, मतलब पेपर जितना चाहिए उतना हो चुका है। इसके साथ काम करना यार बहुत मुश्किल लग रहा है इसके साथ। ओके अपना वो भी हो गया, ऊट का भी काम हो गया, ऊट तो बहुत ज्यादा है। अब देखते प्लास्टिक का कुछ होता है कि नहीं। ओके प्लास्टिक भी हो गया भाई, बहुत सारा प्लास्टिक है अपने पास, ऊट सबसे ज्यादा है। एक काम करते हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जो रेपुटेशन लेवल वो भी बढ़ जाएगा। ओ भाई कॉन्ट्रैक्ट वाले सब कंप्लीट हो गया, ये ले लो डिलीवरी ले लो। और कहाँ है ठीक है बाकी के कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ गए भाई? ये भी ले लो डिलीवरी। अच्छा ये वाला सब कुछ, मतलब यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा। ये लो भाई आपका 715 भाई, बहुत सारे पैसे कमा ले यार, $1815। हम लोग फिर एक और मशीन खरीद सकते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो भी खरीद लेते हैं। यार 6 पे अनलॉक होगा यार ये। ओके ग्लास खरीद लेते हैं, और ये वाला नहीं खा अभी के लिए, ग्लास खरीद लेते हैं। 800 चाहिए, 1815 है, हो गया ये हो गया। और कुछ अपग्रेड वपग्रेड कर सकते क्या फैक्ट्री में? ये बढ़ा सकते हैं स्टेज 2 अपग्रेड बॉर्डर्स एंड एनलार्ज योर फैक्ट्री, नहीं ये अभी बाद में करें। तो हमारे पास अभी एक और मशीन आ चुकी है, इससे ऊपर मैं नहीं लगा सकता आई थिंक, यहाँ पे मशीन रखने का जगह भी खत्म हो रहा है। देखो ये आखिरी मशीन है जो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, बाकी ये लगाने के बाद पूरा का पूरा जगह सामने से भर जाएगा, मतलब मेरे को और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। ग्लास है ना, ग्लास मेरे पास है यहाँ पे कुछ तो है, और बाकी यहाँ पे भी ग्लास कितने हैं, 135 केजी ग्लास भाई, ग्लास का भी कोई काम हो जाएगा। बनाओ कितने हुए टोटल, 149 केजी यार। यहाँ पे 100 केजी डालो और फिर 49 केजी डाल दो, पकालो निकालो। ऊट का कोई और कॉन्ट्रैक्ट आया कि ना देखता हूँ, क्योंकि ऊट का अभी तक हमारे पास बहुत सारा ऊट है। अच्छा ऊट का कोई कंपनी, ये 54 वाला है ठीक है, और ये 48 वाला है, 54 वाला देखता हूँ मैं कितना बोल रहा है। 800 ना, 600 दे दे भाई, 600 से नहीं भाई, 650 615 में दे दे भाई, 600 में दे दे, 600 में दे दे, 600 नहीं देगा, 599 पे दे दे, 595 पे दे दे। ये बढ़ा रहा है अपना, 5-5 करके बढ़ा रहा है ठीक है, 580 में दे दे, मैं भी 5-5 करके कमा रहा हूँ, ये भी 5-5 करके बढ़ा रहा है, 570 में दे दे भाई, तेरा ना मेरा 570, डेडलाइन 597 पे आ चुका है भाई ठीक है, 565 में दे दे, 565 ना तेरा ना मेरा 565, 560 ठीक है, 560 तो नहीं दूंगा मैं, 563 ना तेरा ना मेरा बीच का 563, 560 में 561 1 रुपए ज्यादा, सगुन का 1 रुपए ठीक है दे दो, सगुन का ओके सगुन का 1 रुपए हो गया, 561 में डील डन। ले भाई हो गया, अपने पास है पड़ा हुआ है, बहुत सामान पड़ा हुआ है। ओ लेवल 4 अनलॉक हो चुका है, एक मिनट वो तो लेवल 6 पे होगा ना, कैरी मोड 1 हो चुका है, मतलब कैरी मोड 1 मतलब मैं एक साथ दो कलेक्ट कर सकता हूँ क्या, कैरी एक साथ दो कलेक्ट कर सकता हूँ आई थिंक सो, ऐसा कुछ है। ओके ग्लास का कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेता हूँ,
आस्का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट प्लेस नहीं। मार्केट प्लेस पे यार दाम कम देता है, तब मजा नहीं आता मार्केट प्लेस में, कॉन्ट्रैक्ट में सही लगता है। ओके ग्लास का, ओके ग्लास का है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला तो नहीं, ये ही है, 48 का है अपने पास। 48 बोल रहा है क्या? 421, हम लोग 421 में नहीं ले सकते, हम लोग 560 में लेंगे। बोल होगा 595, 545, 516 तक आ चुका है, 535, डील फाइनल करो। ओके 535 में हो चुका है भाई। $336 मार्केट प्राइस है, अगर मार्केट पे बेचो ना मार्केट पे, वहाँ पे $336 मिलेगा, यहाँ पे $535 में डील फाइनल। ये 42 का है, $406 मांग रहा है, मैं इसे मांगूंगा $590 में देगा, $453 में ही अटका है भाई, $565। बोलो ग्लास क्राफ्ट इंडिया आईएनडी, बोलो 535 डील फाइनल करो। चार्ज 500 तक आ ही नहीं रहा है भाई ये, 515, मैं भी 400 पे उतर जाऊंगा, 500 में दे दो, 500 में डील फाइनल करो। 478 नहीं, सीधा 599, 84 नहीं, 599 डील फाइनल करो। 586 ना, 595 पे डील फाइनल करो गाइस, देखो लो 595, इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा। 593, 86 नहीं, 593 पे सेट करो, ₹3 सगुन के होंगे। 586 तो मैं लूंगा नहीं यार, 590 पे, 486 से ऊपर देगा ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 486, 295 का माल 486 में मिल रहा है। अब टेकन पे, अच्छा टेकन पे ग्लास अभी तक हमने लगाया नहीं ना, ग्लास लगा भाई, कितने सारे ग्लास आ गए यार। ओके 60 आ सकते हैं, ओके पहले आते थे चुआ ना, अभी 60 आ सकते थे एक पैलेट में। अच्छा यही बड़ा, ज्यादा नहीं बड़ा, यही बड़ा बस, एक पैलेट में 60 चीजें आएंगी। ओके आ चुकी है, ओके इसमें भी 60 आ चुकी है, अब इसमें और नहीं है, और भी कुछ है। ओके चलो आ गए, यहाँ पे 60 120 130 140 139, ओके हो गया। ओके तो 139 मैंने लोडिंग पे लगा दिए यहाँ पे, अरे यार अब बेच, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब बेच देते सब। आ जा भाई टेकन पे, ये ले ये ले। ओ भाई $2,111, $2,597, ओ माय गॉड, हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया गाइस, लोन भी ले लिया है। लोन ऐसे अब एक साथ पे नहीं कर सकती, एक दिन का $78 लेके खाएगा, हो जाते कल सुबह देखते और ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता है कि नहीं। चलो इस बार हमने मुनाफा कमाया, पिछले वाले दिन हमने थोड़ा सा मुनाफा नहीं कमाया, डेली बैलेंस माइनस पे चल रहा है, अभी तो प्लस पे चला। देखते बिल्स आता है, प्रोडक्शन बिल आता है और ₹32 उस बंदे के जाते, लोन का $78 अदर दर की 1700। आज देखते क्या क्या है, ये 2-स्टार का है, मतलब ये थोड़ा महंगा है, ये भी महंगा है, ये भी महंगा है, ये भी महंगा। गाइस एक काम करते ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यही पर ही खत्म करते ठीक है, आज ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। मैं चाहता था कि अपना स्टोर जो है ना, मतलब स्टोर बोल रहा हूँ, अपना जो इक्विपमेंट है उसमें ये वाला सिक्स लेवल कर दूं, मतलब ये वाला सिक्स लेवल पे चला जाओ और वो बार खरीद लूं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कैरी मोड पे, अच्छा बिगर गार्बेज बैग 750 लगेगा, मैं दे देता हूँ यार, मैं ये वाला खोल लेता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ये वाला आज खोल लूंगा, आज तो नहीं खुलेगा, आज वैसे करने के लिए कुछ अलग कोई नया काम है नहीं, आज ही वैसे मुझे वहीं पर ही जाना है, कचरा कलेक्ट करना है, फिर लाना है, फिर रखना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, फिर बेचना है, बस वही सेम काम होगा। तो आज का गाइस हम लोग वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं ठीक है, पता है वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले वाले वीडियो में हम लोग एक और नया खरीद लेंगे मशीन। वैसे एक और नया खरीदने के लिए मेरे को पहले ऑफिस को अपग्रेड करना पड़ेगा ठीक है, फिर उसके बाद ही मैं खरीद सकता हूँ, वरना ये 4 मशीन के एक और मशीन घुसाने की जगह नहीं है। मैं ऑफलाइन में आऊंगा, 6 लेवल तक लेके जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, फिर मैं अपग्रेड करूंगा अपने इसको और भी बेहतर लेवल पे। उम्मीद है गाइस तुम लोगों के वाला वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल में मिलते नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन बाय, नहीं बाय।